साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं हूँ सरसवा गांव में, हमारे पास का गांव पड़ता है। और सामने से जो आप युवा किसान देख रहे हैं, हमारे प्रमोद भैया जी, जो कि पिछले साल से ट्रेंच विधि से गन्ना लगा रहे हैं। पहले तो ये चौड़ाई 34 इंची पे लेगी, मैंने इनके छोटे भाई अनुज की वीडियो बनाई थी पिछली, फिर 36 इंची पर लगाया उन्होंने, 42 पर लगाया। लेकिन सामने जो आप खेत देख रहे हैं ये इनका है 68 इंची। भाइयों 60 इंची पे तो बहुत से किसान लगा रहे, लेकिन इन्होंने 68 इंची करा। तो इस गन्ने के बारे में भैया जी से पूरी जानकारी लेंगे और इनका अनुभव भी, जो हमारे किसान भाइयों को और को भी मदद मिल सके, नए किसानों को। तो पहले तो मैं इनसे मिलवाता हूँ, थोड़ा सा परिचय कराता हूँ इनका, फिर लेंगे इनसे जानकारी सारी। हाँ जी भैया, क्या हाल है जी? तो थोड़ा सा तो भैया पहले अपना एक बार परिचय दो जी आप। मेरा नाम प्रमोद, गांव जी, जिला मेरा। अच्छा अच्छा जी जी। तो भैया जी जैसे आपने ये गन्ने की बुआई, सामने ट्रेंच का खेत है 68 इंची पे, तो मतलब इतनी चौड़ाई पे 60 इंची से ऊपर क्यों बढ़ाया आपने? मैं ट्रैक्टर में चलता ना, छोटा तो जैसे 60 इंची पे तो सबका रेट ट्रेंच के सबका चल रहा हूँ, फिर पिट्टे ढूंढने बड़े हो जाओ, फिर वो नहीं आ पाता। अच्छा अच्छा, और जैसे 68 इंची आपने चौड़ाई कर दी, इसमें एवरेज आ जाएगा आपका? एवरेज इससे बड़े हम तो 1 फुट और बढ़ाऊंगे सर। 1 फुट और बढ़ाओगे भी? महिंद्रा ट्रैक्टर चल जाएगा 65। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। तो इसकी थोड़ी निकली 2 क्विंटल 4 किलो की। अच्छा अच्छा, तो ये कब की बुआई है जी? आप क्या सोची करना है? अक्टूबर में बुआई है। अक्टूबर में बोया था जी। अच्छा अच्छा, तो इसमें आपने फिर सरसों की कौन सी वैरायटी लगाई? हाईवे 7044। अच्छा अच्छा, तो कितनी होगी जी? 10 बीघे में 23 क्विंटल। 10 बीघे में 23 क्विंटल सरसों निकाल लिया आपने? ठीक ठीक, हमारे गाँव वाले ने निकाल ली पर इसमें। अच्छा अच्छा जी जी जी। अच्छा एक चीज़ और बताओ भैया जी, तो इसकी जैसा आपने बुआई करी थी, सिंगल बड़ से करी थी या कैसा? इसकी सिंगल बड़ थी। अच्छा अच्छा, तो बुआई में क्या सिंगल बड़ करनी नहीं चाहिए? अच्छा सिंगल बड़ नहीं करनी चाहिए। वो दो आँख का गन्ना बोया, उससे पौधे को पोषण मिलता रहा, पौधा सूखता नहीं, इतना से केयर नहीं करनी पड़ती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो आँख का कम से कम बोया। दो आँख का बोया जब मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, पल्ली साइड जो बोया था हमने सिंगल बड़ बोया था, उल्ली बार दो आँख का बोया था। अच्छा अच्छा, दो आँख के मुझे मजबूत लगा गन्ना, वो जगह फिर भी आज भी केयरा नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, तो एक चीज़ और बताओ, जैसे आपने इसकी बुआई करी सिंगल बड़ से करी, तो बुआई में थोड़ा सा बताओ इसमें क्या लागत आपने लगा इस टाइम पर? डाई यूरिया सिंपली लागत है और तो कुछ ज़्यादा है नहीं, यूरिया काफ़ी डाल दिया। अच्छा अच्छा, कीटनाशक में क्या लगाया जी? कीटनाशक में क्लोरोजन लगाई थी, उसका कोई असर नहीं आया, दो बार फिर फ्योरोडान डाल दी। अच्छा फ्योरोडान डालनी पड़ी। हाँ क्लोरोजन का बहुत किसान कह रहे कि रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट हो गया सारा सारा खेत के बर्बाद करके फेंक दिया मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं इसमें। अब भी देखो, हाँ यहाँ पे है 30,000 किसी को हम तेरा डेमो लगवा देंगे, तेरा यो करवा देंगे। हाँ ऐसे ही बका रहे, मुझे बका के चले गए। आगे आपका आगे तो बटा लूंगा, पहले अधिकारी को बुलाओ, पहले नुकसान की भरपाई करवाओ। बिल्कुल 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 सही बात है। इसमें चलो मैं झेले दे देखिए। हाँ सही कहा स्थिति, बिल्कुल सही कहा। इसमें मैंने पूरी डोज लगा रखी है हिस्से की। जी जी जी, तो 350 मिल गई जी 10 बीघे में जी। तो भैया जैसे आपने सरसों की कटाई के बाद में थोड़ी सी खेत की तैयारी बताओ, इसमें क्या क्या करा फिर उसके बाद में? जुताई करी बस। अच्छा, और फिर इसमें दो बार खुदाई। अच्छा दो बार खुदाई भी करी, 3 बार जूटा से जुतवा दिया। अच्छा 3 बार रोटर से जुटवा मिट्टी चढ़वा दी। जी जी, तो भाइयों हमारे पास के गांव में सरसों में छोटा ट्रैक्टर लिया है हमारे भैया जी ने, उसके द्वारा इसकी रोटर वेटर से देखो जुताई करी गई है खेत में। आपको दिखाना चाहूँगा, देखो मिट्टी भी चढ़वा दी इस पर। अब असोजी गन्ना बहुत ही ज़बरदस्त खड़ा है, ये देख लो। और इस पर जो है, थोड़ा सा नीचे से दिखा दूँ आपको, जो हैरो आती है तवो वाली, 4 तवो वाली, उसके द्वारा मिट्टी चढ़ी गई है। लंबाई में बढ़ाने अच्छा, लंबाई नहीं बढ़ाना चाह रहे अभी? लंबाई बढ़ाना चाहता तो मैं 3 फुट और ऊंची कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं तो लंबाई रोकने के लिए भी तो फोन मारूंगा ऊपर। क्या लंबाई रोकने के लिए क्या मारोगे? इतना फोन मारूंगा ऊपर। अच्छा अच्छा, क्यों? इससे क्या फर्क होगा? इससे इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अच्छा अच्छा, ब्याज नीचे का बराबर हो जाएगा? नीचे का बराबर हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी जी।
गन्ने का मजा जब है जब बंधे ना गन्ना है। बिल्कुल 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 सही कह रहे जी। वो जितनी ग्रोथ फालतू रहेगी वो तो गिरना ही गिरना, ग्रोथ कम रहेगी गन्ना मोटा रहेगा वो चाहिए ग्रोथ। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे 10 फुटा भी हो जाओ, 10 या 11 फुटा गन्ना चाहिए, इससे फालतू चौथा ही। हाँ बिल्कुल, फिर वजन कम हो जाता नहीं, वजन भी हो जाए फिर थम्मे का कौन, पहले बल्ली लगा गया थम्मो तो। बिल्कुल बिल्कुल, पहले बल्ली लगा, हाँ बल्ली लगा फिर हो जाओ सारे में। इतना का बांस मंगाए थे उनसे बिहार से। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ भैया जी, थोड़ा सा अपने किसान भाइयों के लिए अपना मतलब अनुभव बताओ। जैसे आपने कई चौड़ाई पर गन्ना लगाया और ये 68 इंची तक आप इसे गन्ने को ले गए, तो मतलब किसान को आप जिसका नेड़ा लगाओ तो एक के सूट है, अभी 68 इंची, इसके 68 इंची में गोल चढ़ाई है मैं, तो यहाँ भी सूट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भोजन खा लेगा। हाँ जी, और जब किसी मैटर को दो तरफ से धूप लगेगी तो उसका वेट भी और उसका फ्लावट भी और उसके किल्ले भी, हाँ जी वो भी बढ़िया हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बीच के लगा दिए, सोचा कि भाई लगाते तो उसमें भोजन तो उतना ही मिलना हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलेंगे जितना कह रहे हो उतना चल जाएगा, वो बाकी के मुने बन जाएंगे जिसमें इसमें मुना नहीं निकलता। हाँ मुना नहीं निकलता, यही प्लस पॉइंट है किसान। और एक के गन्ना के दो गन्ने के बराबर वजन देगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाइयों देख लो, अगर ट्रेंच का गन्ना खुला होगा तो एवरेज अपने आप ही बढ़ेगा और बंधाई की जो लागत है वो किसान की कम भी होगी। तो इनका जो है 10 बीघे का नंबर है 2 एकड़, और असोजी गन्ना है भैया जी का, सरसों इन्होंने बता दी 20 क्विंटल इसमें सरसों निकली है इनकी, 23 क्विंटल, तो बहुत ही बढ़िया रहा, और गन्ना भी इसमें कोई कम तो लग नहीं रहा। सरसों ने एवरेज दे दिया हमें, तो गन्ना इसमें अब कितना लेकर जाओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो टॉप बॉलर की दिखती वो बैठी। हाँ सही कह रहे, वो बैठी देख लो भाई, टॉप बॉलर कोरोजन हुआ हुआ है इसमें, टॉप बॉलर की तितली बैठी है, मार दी। तो भाइयो आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी, चलेगी अब 2 पीढ़ी निकल गई इसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी पीढ़ी नुकसान दे देगी, तीसरी पीढ़ी बहुत बढ़िया नुकसान देती है, यू भी नुकसान दे रही है, इससे पहले जो है उसको कवर कर लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें जी, यूरिया कमी की सौंप देना। हाँ जी हाँ जी, जितना तुम डाई वगैरह डाल दो, जैम वगैरह वो डाल दो जी जी, क्योंकि इसमें तो जो साइडों की जड़ है ना, हाँ जी का भोजन लेंगी, भोजन ज़्यादा मिले सुलभ भी ज़्यादा रहेगी, भरे की जड़ में नमी लेगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, जी जी जी, तो देख लो भाइयों पूरी जानकारी भैया जी ने दे दी आपको, इनका ट्रेंच भी देखा करना जरूर, असोजी पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइयो। तो किसान जो है अपने हिसाब से अपनी कृषि यंत्रों के हिसाब से चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई का नियम काम करता है अपना। हाँ जी, छोटा ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट नहीं है, जिस पे इम्प्लीमेंट नहीं वो अपना किराए पे लगा इम्प्लीमेंट से जुटवा सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़े में नहीं तो अपना छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा अपने अपने पशु से भी काम कर सके। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, दो फोड़ नहीं कर ले, कंटीन्यूटर के 3 निकाल दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कभी तक जुताई करो। हाँ जी, तो भैया जी आपने 34 इंची पे भी लगा रखा, 36 पे भी लगा रखा। पहले हम 27 इंची बोलते थे, 26 इंची बोलते थे, फिर हमने 28 किया, फिर 23 किया, फिर 34 किया, फिर 36 किया। हाँ जी, जब इतने छोटा हमारा 34 पे 36। अच्छा अच्छा जो हो रहे हैं जी जी, तो भाइयों एक वीडियो बनाई थी मैंने महिंद्रा ट्रैक्टर का, जो पिछला पहिया खोल रखा था भैया जी का ट्रैक्टर था, ताऊ जी की वीडियो बनाई थी मैंने, तो वो 36 इंची के लिए इन्होंने उसमें जुगाड़बाजी कर रखी थी, तो उसी के द्वारा इन्होंने सारा गन्ना बता रहे 36 इंची पर लगा रखा। ये असोजी गन्ना जो है इन्होंने 68 इंची पर लगाया, और असोजी गन्ना अब की बार में जो बता रहे हैं 1 फुट और बढ़ाऊंगे इसे, जिससे इसमें बड़ा ट्रैक्टर चल जाए। इतना जरूर कर ले किसान, इसे डेंटोक्सु अपने खेत में डाल ले। डेंटोक्सु डेंटोक्सु डेंटोक्सु, अच्छा अच्छा, एक तो दीमक वगैरह नीचे का कीड़ा कोई नहीं आएगा, नीचे दवाई डालने की जरूरत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे, देना अपना स्प्रे से दे दे, दो बार रिजेंट की स्प्रे जरूर मार दे, जो भी स्प्रे। अच्छा अच्छा, रिजेंट की स्प्रे कर रहे हैं आप? रिजेंट की स्प्रे करेगा इसमें उतना ही मजा आएगा। अच्छा अच्छा, 38 में रिजेंट का सही रिजल्ट है, एक तो ड्रिप नहीं आएगा और भी कई कीड़े हैं जो रिजेंट होते हैं। जी जी जी, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोरोजन में लगा दो आग में माचिस खींच के। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी, कोरोजन ने तो बहुत किसान बर्बाद कर दिए अपने, या तो हमें साल्ट सही नहीं मिल पा रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या फिर कोरोजन या हमारे जंगल में कोरोजन फेल हो गई। हाँ बिल्कुल, इसकी डोज भी कुछ हल्की पड़ रही, अभी कितना निकलता कितना नुकसान है इसका। हाँ सही कह रहे जी बिल्कुल, है इसमें तो बहुत तितली मिल गई, जब तो काम तो इसमें चल रहा अभी, काम तो अभी चल रहा है। तो भैया जैसे आपने मिट्टी चढ़वाई इख्तियारपुर वाला से बुलवा के, तो मतलब इसमें पहले रोटावेटर करवाया फिर मिट्टी, क्या रेट चल रहा है उसका? वो तो खैर रिश्तेदार है हमारा मंदली का, 300 रुपये का रेट खोला उनने, हमने 200 रुपये। अच्छा अच्छा, 300 रुपये भी का मिट्टी चढ़ाई, तो हैरो है ना उनके पास में तवा वाली? हाँ जी हाँ जी, तो भाइयों अगली वीडियो जो है उसकी भैया जी की भी लाऊंगे, हमारे पास में पड़ता है, मेरी बात तो उनसे फ़ोन पर हो ली लेकिन अभी वीडियो नहीं बना पाया, तो बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए, जो कोई ट्रंच की खेती करना चाहता है तो हमारे यहाँ पर 3 ट्रैक्टर पड़ोस में आ गए, चरला में है और मवी में आया है एक ट्रैक्टर, इख्तियारपुर में आ गया,
तो भाइयों चौड़ाई से दिक्कत ना मान लो इस, अच्छा आप भी ला रहे जी। एक ट्रैक्टर हमारे सरसों गांव में लाएंगे भैया जी, तो इसमें सिर्फ ट्रेंच में एक चीज़ किसान को जरूर देखनी, जमाव अच्छा ले लो और ब्याज ठीक करा लो ट्रेली। हाँ जी, ब्याज की बताइए तो भाई, ब्याज को लगा नहीं, बीज का शोधन भी ठीक करना पड़ेगा बाजे, ऐसे ही बोरे शादी की तरह ही हमारे गाँव में बोई कहीं ने। अच्छा अच्छा थोड़ा महंगा जी जी जी। तो भाइयों जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार भाइयों, ये देखो इनकी गन्ना पेड्डी है 36 इंची वाली, कितनी ज़बरदस्त गन्ना पेड्डी खड़ी है, बिल्कुल बंधाई आ रही और बहुत ही बढ़िया मोटाई है गन्ने की। तो भैया जी ने बताई कि 36 इंची भी कामयाब है, थोड़ी सी पहियों की दिक्कत आती है, उसके लिए हमें ट्रैक्टर का पहिया बदलना पड़ा है। बाकी की छोटा ट्रैक्टर लाऊंगी तो आपका ट्रेंच का पूरी चौड़ाई पे बोऊंगे। गए पेड्डी देखो भाइयों, बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना पेड्डी खड़ी है इनकी।